सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गया हूँ बाली में, और बाली के एक बीच पे मैं हूँ जिसका नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्या नाम है इस बीच का। और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जहाँ पे मेरी स्कूटी पार्क करने के लिए मैंने दिए हैं 2000 रुपये, यहाँ के इंडिया के बहुत कम होंगे। और ये ब्यूटीफुल सा पीछे गेट दिखाई दे रहा है इसको एंटर करने के लिए। और यहाँ पे एक हिंदू सेरेमनी चल रही है, एक्चुअली वो स्टार्ट नहीं हुई, होने वाली है। और यहाँ का कल्चरल डिफरेंस हमारा इंडियन हिंदू से थोड़ा सा अलग है, बट गॉड जो है यहाँ के सभी सेम ही हैं। तो दोस्तों ये देखो पीछे कोई सेरेमनी चल रही है हिंदूज की। मैंने यहाँ पे पूछने की कोशिश की पर लैंग्वेज डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि कुछ ज़्यादा मुझे समझ में आया नहीं, और इंग्लिश इनको आती नहीं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी मुझे नहीं आती है। पर काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये देखो, और सामने है एक खूबसूरत सा प्यारा सा बीच जहाँ पे गोरे चिट्टे लोग अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए रनिंग कर रहे थे। हमारे तो पेट आया हुआ है तो हमने उसको रहने दिया। फाइनली मुझे पता पड़ गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 महीने का जो बच्चा हो जाता है तो उसको ब्लेसिंग देने के लिए ऐसी सेरेमनी की जाती है, ऐसा मुझे ये दो भाइयों ने बताया जो पीछे बैठे हुए हैं मेरे, ये रहे। और इंडिया में ऐसा नहीं होता, मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमें लैंग्वेज डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से। पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों बाली आने से पहले मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हिंदू धर्म को किसी और तरीके से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है किसी और देश के अंदर। जब मैं बाली में आया तो मैंने देखा कि बीच पे आके लोग 3-3 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अपने हिंदू रिलीजन को उनकी ब्लेसिंग के लिए, जो हमारे देश में मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे कपड़े पहनने का तरीका भी अलग है हिंदुओं का डेफिनेटली, क्योंकि अलग देश है तो थोड़ा सा जो रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस के अंदर डिफरेंस आ जाते हैं, पर ओवरऑल सब शांति से रहते हैं। जब भी किसी देश में हम जाते हैं तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पर मैंने यहाँ पे आके देखा कि हम जिस तरीके से रहते हैं हर देश उस तरीके से नहीं रहता, और सेम चीज़ को फॉलो करने के यहाँ तरीके भी अलग अलग होते हैं। और बीच में एंटर करने से पहले मुझे दिखा एक कॉफ़ी का कियोस्क जहाँ पे मैंने ली एक कैपेचिनो गर्मा गर्म, और वो बहुत ही टेस्टी थी। और ये दो कपल थे या भाई बहन थे मुझे नहीं समझ आया, हाँ पर भाई बहन नहीं थे, ये इसको ऑपरेट कर रहे थे, मैंने इनसे बातचीत की थी। और ये बहुत ही प्यारा सा इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ था, छतरियाँ लगा रखी थी और छतरियों के नीचे छाया में बैठ के मैंने जो कॉफ़ी पी, आप भी पीना क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे क्यूट क्यूट लड़कियाँ भी आई हुई थी जिनको देख कॉफ़ी और भी ज़्यादा स्वाद लगने लगती थी मुझे, तो हमने दो और पी ली, एक्चुअली मैं एक और पी ली।